मुझे आज भी बचपन के वो दिन याद हैं जब मेरी माँ मुझे स्कूल जाने से पहले एक गिलास दूध के साथ भीगे हुए बादाम दिया करती थीं। उस समय हम उन बादामों का महत्व नहीं समझते थे, हम यूं ही दूध के साथ बादाम भी खा लिया करते थे, लेकिन बचपन के वही बादाम स्वाद और पोषण का खजाना है जो हमारी हड्डियों से लेकर दिमाग तक हर अंग को ताकत प्रदान करता है। भीगे हुए बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा एसिड 3A, विटामिन और फाइबर पाया जाता है। हल्की मिठास से भरपूर बादाम सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होते हैं। बादाम को लोग कई तरह से खाते हैं, कुछ लोग पाउडर के रूप में और कुछ लोग बादाम को भूनकर भी खाते हैं। खासतौर पर दिमाग के विकास के लिए खाए जाने वाले बादाम में पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भीगे हुए बादाम खाने के फायदे बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। भीगे हुए बादाम में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। इसे नियमित रूप से खाने से शरीर में बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। यह रक्त कोशिकाओं की मरम्मत के अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। नंबर 2, याददाश्त में सुधार। फाइबर और प्रोटीन का भरपूर स्रोत बादाम हमारे दिमाग को तेज करने में मददगार होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार बादाम में मौजूद विटामिन ई और B6 अल्जाइमर के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा भीगे हुए बादाम खाने से बार बार भूलने की समस्या से भी राहत मिल सकती है। भीगे हुए बादाम खाने से याददाश्त शक्ति बढ़ती है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करे। बादाम में पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्लांट प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप हृदय रोगी हैं तो यह पोषक तत्व आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप रोजाना रात भर भीगे हुए बादाम खाते हैं तो LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिरने लगता है। इसके अलावा इसमें मौजूद कम कैलोरी वजन घटाने में भी मददगार साबित होती है। बादाम में कई एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 4, PCOS की समस्या से पाएं छुटकारा। अगर आप भी PCOS की समस्या से जूझ रहे हैं तो भीगे हुए बादाम का सेवन जरूर करें। ऐसे में पीरियड शुरू होने से 10 दिन पहले भीगे हुए बादाम खाना शुरू कर दें। इससे अनियमित पीरियड से भी बचा जा सकता है। दरअसल हार्मोन असंतुलन के कारण PCOS की समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे में भीगे हुए बादाम की मदद से फ्री टेस्टोस्टेरोन को मैनेज कर हार्मोन संतुलन में मदद मिलती है। नंबर 5, पाचन में सुधार लाता है। भीगे हुए बादाम खाने से कई फायदे मिलते हैं। इससे पाचन क्रिया बेहतर होने लगती है। दरअसल बादाम की बाहरी परत सख्त होती है और इसे पचाना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है, साथ ही आसानी से यह पच भी जाता है। NCBI के एक शोध के अनुसार बादाम को पानी में भिगोने से फाइटिक एसिड कम हो जाता है और पोषण स्तर बढ़ जाता है। दरअसल भीगे हुए बादाम एक लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम छोड़ते हैं, इससे पाचन में भी मदद मिलती है। नंबर 6, मेमोरी में लाए सुधार। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बादाम हमारे दिमाग को तेज करने में मदद करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार बादाम में मौजूद विटामिन ई और B6 अल्जाइमर के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा भीगे हुए बादाम खाने से बार बार भूलने की समस्या से भी मुक्ति पाई जा सकती है। भीगे हुए बादाम खाकर आप अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं भीगे हुए बादाम का सेवन कैसे करें। सबसे पहले एक बर्तन में एक मुट्ठी बादाम डालकर अच्छी तरह से धो लें। अब बर्तन में आधा चम्मच नमक डालें और इसमें बादाम डाल दें। बादाम को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद बादाम को छीलकर इसका सेवन करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भीगे हुए बादाम के ये फायदे आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।